नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में वन विभाग की तरफ से आयोजित रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और पर्यावरण के संरक्षण का लोगों को शपथ दिलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाए, क्योंकि इस वर्ष 33 करोड़ वृक्ष लगाने का प्रदेश सरकार का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर खाली जमीनों पर खेल के मैदानों के किनारे किनारे पौधा लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी ने पर्यावरण संरक्षण का शपथ लिया है, उसको पूरा करना है, जो कि हम सभी के प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यदि पर्यावरण संरक्षित रहेगा तभी हम लोग सांस ले पाएंगे, क्योंकि दिल्ली जैसे प्रदेश में नवंबर दिसंबर के समय कोई बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि वहां की हवा जहरीली हो गई है। हम लोग इस हॉल में बैठकर आराम से सांस ले रहे हैं, यह सब पर्यावरण संरक्षण के कारण ही संभव हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों व शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लग गई है, क्योंकि जो 100 वाट का बल्ब जितनी बिजली देगा यह स्ट्रीट लाइट 5 वाट में ही उतनी बिजली दे देगा। इससे बिजली बचता है और जब एक जैसा लाइट जलता है तो एक अलग साइनिंग आता है। आप सभी लोग देख रहे हैं, उनके नगर एक जैसे दूधिया लाइट जैसे जगमगाता हुआ नजर आता है। इस अवसर पर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, श्रवण निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। आज के इस समारोह में मिशन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मान्य विधायक गण श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित वन विभाग से जुड़े हुए और नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, ग्राम पंचायतों और नगर निकायों से जुड़े हुए यहां पर उपस्थित और वर्चुअली जुड़े हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरणविद और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम में से
था जब मैं दिल्ली की यात्रा पे गया था, एक दिन अचानक मैंने देखा कि मैं जैसे एयरपोर्ट पे बाहर निकला और मैं गाड़ी की तरफ निकल रहा था, मैंने देखा आंखों में मेरी जलन होने लगे। मैं कभी जलन क्यों हो रहा है? मुझे बताया गया कि यहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और वायु प्रदूषण के कारण इस प्रकार की समस्या है। यानी हमने वायु को भी प्रदूषित कर दिया, जल को भी प्रदूषित कर दिया, पृथ्वी को भी प्रदूषित कर दिया, तो इसका दुष्प्रभाव कहां पड़ा है? जलवायु परिवर्तन पर इसका असर पड़ा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना। यानी हम इस प्रकार की ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। इसके लिए नहीं प्रयास विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आपने देखा होगा आज ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट लग गई ना। कितने ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट है? ग्राम पंचायत सभी ग्राम प्रधानगण अपने हाथ खड़ा करें जहां पर उनके गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट एलईडी बल्ब चमक रहे होंगे, बिजली के बल्ब चमक रहे होंगे, और जो बल्ब चमक रहे हैं ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में, वे सभी एलईडी स्ट्रीट लाइट वही है। यानी वह अगर एक सामान्य बल्ब 100 वाट का जितना आपको बिजली देगा, ये मात्र 5 वाट का बल्ब ही उतने में बिजली आपको एलईडी बल्ब उतनी की बिजली दे देगा। यानी आपको 90 से 95 वाट का यह कार्बन उत्सर्जन कम स्वतः एक बल्ब ही कर दे रहा है। ऊर्जा की भी कम खपत और कार्बन उत्सर्जन भी कम। दूसरा, एक जैसी लाइट जब दिखती है तो एक अलग शाइनिंग होती है, अलग शोभा होती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से आज नगर एक जैसी दुधिया लाइट से चमकते हुए और जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। गांव गांव में भी बिजली होती है, गांव गांव चमकते हैं आज। अब पता ही नहीं लगता है कि हम गांव में हैं या शहर में हैं, पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये एलईडी स्ट्रीट लाइट कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक माध्यम बना है। सरकार ने अपनी पॉलिसी में संशोधन किया, लोगों को कहा गया कि भाई आप बिजली के कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आपको हम आप सोलर पैनल लगा करके अगर अपने यहां इससे बिजली तैयार करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपका बिजली का बिल एक तो कम हो जाएगा और अतिरिक्त बिजली जो आपके यहां सोलर पैनल से पैदा होगी उसको सरकार लेगी, उसका दाम आपको देगी, आपके बिजली के बिल से उसको कम कर देगी। यानी आपको दुगना लाभ। खाली छत रहती है, मकान खाली रहता, छत खाली पड़ा रहता, यानी उपयोग को कम करना, रीयूज उसका पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल उसका पुनर्चक्रण, रिकवर पुनरुद्धार, रिफर्बिशमेंट पुनर्निर्माण और रिपेयर मरम्मत। यानी 6 R के साथ इसको जोड़ करके इस बार के रेस फॉर लाइफ, सर्कुलर इकोनॉमी एवं लोकल क्लाइमेट एक्शन कार्यशाला, जिसके लिए आज ग्राम पंचायतों को और प्रदेश भर के सभी 762 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ा गया है, इसका समाधान है। हम पर्यावरण अनुकूल अपना कार्य पद्धति अपनाएं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें,
अभी वन महोत्सव का कार्यक्रम चलेगा जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में। 35 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को इस वर्ष भी आगे बढ़ाएगी और मेरी सभी ग्राम पंचायतों से सभी नगर निकायों से मेरी अपील होगी। 58,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, 58,000 ग्राम पंचायत लक्ष्य रखें, हर ग्राम पंचायत कम से कम 1,000 वृक्ष लगाएगा और गांव में कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर हम एक वृक्ष न लगा लें। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी अपने उद्बोधन में उन्होंने आपको बताया एक वृक्ष की कीमत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय, और इसी के साथ आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।